आ जाओ दोस्तों नाश्ता करने के लिए, आ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे बनाया है नाश्ता, बनाया ऑमलेट, अम्मू का फेवरेट। मम्मी ने बनाया था मैगी, आटा मैगी, जो कि अम्मू को खानी नहीं है। मैं मैगी भी टेस्ट करूंगा थोड़ा सा। नहीं नहीं मिलेगा, जिसने मना कर, नहीं 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 मिलेगा। अरे मैं पूरा नहीं खा सकता, नहीं 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 मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ खा लो फिर आके में बैटर। मैगी आ गया, अंडा मैगी। फटाक से प्लेट चम्मच उठा रहा है दोस्तों, थोड़ा देना टेस्ट करने को। नहीं बस बस आधी प्लेट खाली कर दी दोस्तों। दिखा दो दोस्तों। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका जिंगाट फैमिली व्लॉग्स पे। मेरा नाम है पद्मिनी। नहा धो के तैयार हो गई हूँ और आज है वो दिन जब हम आज गांव से जाएंगे वापस मुंबई के लिए। गर्मी मजबूत है यहाँ पे और यहाँ पे पंखे की आवाज़ ना आए, इसकी वजह से मैंने पंखा जो है बंद करके रखा है। अब व्लॉग्स है अपने पास में, रेगुलरली आते रहेंगे तो आप लोग इन्जॉय करते रहना एंड अपना प्यार कॉमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करना। अम्मू जो है बाहर बैठ के टीवी देख रहा है, व्लॉग्स शायद देख रहा है। मम्मी और गोलू दोनों गए हैं मार्केट और ये रहा अम्मू। ट्रेन का क्या सीन है? 4.5 घंटा लेट निकली है वहाँ से। यहाँ भी मेरे को ऐसा अभी बता रहा है 1.5 घंटा, बट मुझे ऐसा लग रहा है आता है 2-2.5 घंटा लेट हो जाएंगे। तो आज मज़ा आने वाले अपने को ट्रेन में। ट्रेन में कोई मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत गर्मी है। एक तो हमारी ट्रेन जो है वो LTT वाली है, तो वो भाई उतारेगी कुरला, फिर हमको कुरला से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा सा। अभी देखो ना, अभी मॉर्निंग में वहाँ से 4.5 घंटा लेट निकली है विशाखापट्टनम से। हाँ। यहाँ बता रहा था कि टाइम पे आएगी। हाँ। फिर बताया आधा घंटा लेट आएगी, फिर बताया 1 घंटा लेट, अब बता रहे 1.5 घंटा लेट। अभी 2 घंटे बाद देखोगे ना तो वो 2-2.5 घंटा हो जाएगा। मतलब अपनी 5:20 की थी, मेरे हिसाब से 8 बजे के पहले नहीं आएगी, मतलब उतना होगा ही टाइम, 7:30-8 तो होगा। और मुंबई में अपने को 1-2 घंटा लेट भी होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी, लेकिन अम्मू मुझे बोल रहा है कि अभी एडिट मत कर, वहाँ पे जाके सीधे ब्लॉग्स जो है कंटिन्यूस डालना। अभी यहाँ पे है और वैसे भी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, अभी कैसे टाइम फटाफट निकलेगा ना पता भी नहीं चलेगा। फिर हाँ। एक वीडियो डाल दिया, आज डाल दिया एक। अब आराम से कल भी ब्रेक हो जाएगा, कल पहुँच के आराम से मेरे चैनल पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। मेरे ये गलत है दोस्तों, मतलब मेरा चैनल इसका चैनल हो गया, लेकिन इसका चैनल मेरा चैनल तो मेरे चैनल पे अभी तक अपना कंटेंट नहीं आया ना। जिस दिन अपन दोनों मिलकर डालेंगे वो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं चाहिए दोस्तों, इसका चैनल इसी को रखने दो, एडिटिंग भी इसी को करने दो, तभी तो मजा आएगा ना, है ना? देखा, चलो मम्मी और गोलू आते होंगे, धूप में इतना गए वो लोग शॉपिंग करने के, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए। और बाहर तो यार बिल्कुल जा भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा धूप, और ऐसा लग रहा है ना अभी पसीना दिख रहा होगा कितना ज़्यादा हो गया। क्या हाथों हाथों पागल। चलो दोस्तों मिलते हैं। क्या ये दोस्तों यहाँ पे भी आके इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, ये बनाओ ये वो बनाओ। नाश्ता क्या बना दिया सुबह सुबह, तो समझ रहा है कि मुंबई में है। तो तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो यार कि मेरे लिए कितना कुछ करती हो। सत्तू नहीं, नहीं तो सत्तू का मैं रख रही हूँ दोस्तों, बाय। सत्तू चाहिए। गांव की हवा में ही क्या बात है, पेट एकदम अंदर है, वहाँ कितना मुंबई में फूंक जाता है गैस से। गुलाब जामुन खाओ खाओ। यहाँ पे तो एक्चुअली हम लोग खा रहे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 3 टाइम बराबर खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी। अपन एक्चुअली टाइमिंग फॉलो कर रहे हैं ना, जन्मदिन और रात का। वहाँ पे अपना रात और दिन कुछ पता ही नहीं चलता है, करना पड़ेगा कुछ नाइट शिफ्ट का। क्या कर सकते हो भाई, तुम्हारा जॉब अलग होता तो बात अलग होती, मेरी भी जिंदगी अच्छी होती। 2 गुलाब जामुन गटक लिए दोस्तों बात करते करते। और है क्या एक दो। दोस्तों मम्मी आ गई है भाजी लेके। देखो यहाँ पे साउथ में ऐसा कवर रहना पड़ता है, कवर पूरा, लोग इंसान पहचाने का भी नहीं। इतनी धूप है कि इंसान पता नहीं क्या बन जाएगा, है ना? गोरे से काले गोरे तो काले लोग क्या बनते होंगे मम्मी? काले लोग क्या बनते होंगे? काले लोग इधर आते तो गोरे बन जाते। जो काले है वो इधर आ जाओ कर्नाटक में। मम्मी लेके आई है क्या क्या भाजी, आपको बताती हूँ मैं, ताकि अपने को भी प्राइसेस पता चले भाई यहाँ पे कितने के मिलते हैं क्या क्या। दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने देखो कितने फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स लाए, 10-10 रुपए ना ये। 10 रुपए का कहाँ मिलेगा मुंबई में। मेथी, मेथी तो महंगा चल रहा है वहाँ पे, 40 रुपये चल रहा है, मैंने अभी पूछा था आने के पहले। 15। अच्छा भिंडी 10 रुपये, सही है, 10-10 रुपए में भाजियाँ मिल जाती है यहाँ पे। गांव की भाजी फ्रेश और सस्ती होती है। गांव की भाजी शॉपिंग, गांव की भाजी शॉपिंग। वैसे ये इधर का सिटी है बट यहाँ भी कितना फ्रेश मिलता है। ये महंगा है, 50 रुपए का आधा किलो है। यहाँ पे ये लोग खाते भी बहुत ज़्यादा है ना। छीनी, छीमी बोले, पापड़ी है वो, वही पापड़ी क्या बोलते तुम लोग? छीमी, छीमी वहीं पे बोलो तुम, यहाँ पे मत बोलो। वाह, 10 रुपए का पाव टेस्टी रहते हैं। 30 रुपए के आधा, 30 का आधा क्या है? टोंडली, टोंडली। हाँ, टेंडली टोंडली दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं मम्मी? टोंडली, टोंडली। यहाँ का ये मस्त है, कुकुम्बर। लाल मार्ट है बट हरी हो गई है, ये हरी मार्ट है। टमाटर लाल ही होता है, ग्रीन भी आता है। डफर, हाँ ग्रीन भी आता है। टमाटर का 50 का 2 किलो, 50 का 2 किलो। अपने उधर भी वही है। ए नहीं है 2 किलो। अरे उस दिन मंगाया था, कब कब मंगाया था? ऑनलाइन मंगाया था 29 में 1 केजी। इससे बड़े बड़े टमाटर मिलेंगे क्या तुमको? अभी आलू महंगा ऑनलाइन 50 रुपीज किलो, हमारे यहाँ 40 है। फ्लावर कैसे मम्मी? देखो तुम, मेरे को मम्मी को मालूम है सब भाजी का भाव। ये 30, तुम चुप बैठो, कभी गए भी नहीं हो। ये 30 का है, हाँ ये 20 का है। अच्छा, उस दिन पाव अपन ने लिया था, कितने का दिया था? 20 का। तुमको मालूम है तो तुमको पता है, तुमसे बुलवा रही हो ना, तुम बहुत शाणे बनते हो ना इसके लिए। अब से तुम ही जाओगे भाजी लेने। मैं ही जाता हूँ भाजी लेने। कितना झूठ बोलते हो, एक भी बार कभी ब्लॉग में देखा है दोस्तों इसको भाजी लेते हुए? प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो बोलते नहीं, वो ब्लॉग बना के आना। तुमको दिमाग नहीं है, अब करूंगा। हाँ, तुम एडिट में निकाल देती होगी तो। चल जा यहाँ से यार। थी दोस्तों मस्त गांव की भाजी शॉपिंग। मुझे यहाँ की ककड़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम अलग ही होती है। और ये आम 100 रुपए के 2 किलो। वाह क्या बात है, 100 का 2 किलो। अपने इधर 140 रुपए किलो है, उस दिन 70 रुपए का अपन ने आधा किलो लिया था। अब बताओ 280 रुपए, मतलब वहाँ ये 280 रुपए का आता जो है कि नहीं? सस्ता है यहाँ पे। हाँ है ना, बहुत सस्ता है। नाइस। और कड़ी पत्ता लेने की तो जरूरत ही नहीं है, मम्मी को कड़ी पत्ता का झाड़ लगाया मम्मी ने। पपाया भी लगा हुआ है, दिखाया था तुमने पपाया? नहीं, अभी दिखाऊंगी, थोड़ा धूप। हाँ तो चलना साथ में। ये बादामी आम है ना, वो भी 200 का 2 किलो। अरे बाप रे। और बादाम में मीठा था, छोटे वाले भी यहाँ के, और मुंबई में छोटे वाले भी खट्टे रहते हैं। हाँ। वाह ये तो बहुत मीठा रहेगा। सही लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे मीठा है। लेके जाने के लिए लाई। तुम आ रहे हो तो वही तुम्हारा चप्पल पहन के जाएगा। क्या करना पड़ेगा तुमको? नहाना पड़ेगा। इधर इतना बाजू में जाने के लिए तुमको नहाना पड़ेगा। लड़कियों के नखरे नहीं होते हैं दोस्तों, लड़कों के भी होते हैं। क्या धूप है, मैं ले लिया ऑलरेडी। क्या कड़ी पत्ता का झाड़ मम्मी का, दो मस्त लगे हुए हैं। अच्छा जैक फ्रूट का डाल दिया तूने? मम्मी दोस्तों जैक फ्रूट की बहुत बड़ी दीवानी है, इसके लिए जैक फ्रूट का भी डाल दिया मम्मी ने। यहाँ पे भी मम्मी ने कुछ कुछ डाला था, लेकिन यहाँ पे गाय वाय आ जाती है ना, बकरी वकरी ये वो। हाँ और धूप भी है उसकी वजह से। ओह क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत मस्त लग रहा है। ये हो गया ना मम्मी? वाओ दोस्तों ये देख के ना मुझे बचपन की याद आ गई। हम लोग का जो गांव में घर है ना, वहाँ पे भी ऐसे ही सेम झाड़ हुआ करता था। उस पे भी बहुत अच्छे पपैया लगते थे, बहुत मीठे और एकदम मस्त वाले। को पेपर में लपेट के देती हूँ। हाँ। दो दिन के बाद में काट के खा लेना। अच्छा ठीक है, पूरा येलो हो जाएगा। दोस्तों लेके जा रही हूँ मैं आज, 2 दिन के बाद मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कितना मस्त हो जाएगा। रिनाथ को चढ़ते हैं ये सारे फूल, देखो कितना अच्छा, घर के पास ही लगे हुए हैं। ये लिटरली अपने को मुंबई में खरीदना पड़ता है, मिलता भी नहीं है खरीदने पे भी कभी कभी। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा ही खुद से हो गया ना मम्मी। वाह घर के आगे पीछे यही झाड़, ये देखो दोनों सितंबर वाले। 2-3 दिन रखो, चश्मिश बस देती हूँ। 2-3 दिन रखो, पक जाएगा। ये पूरा येलो हो जाएगा ना एकदम पूरा, जब काट देना। मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू। क्या बोल रही है? हाँ लेके जाऊंगा। दोस्तों ये देखो बैगन, आपने लिटरली ऐसे बैगन तो नहीं देखे होंगे, इतने छोटे छोटे मिलते ही नहीं हैं, और ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होते हैं। मम्मी ने उस दिन बैगन भर के बनाया था ना, गजब लग रहा था। खा लो है, खा लो, बोलना पड़ेगा कल जाके ना, खा लेने तो खराब हो जाएगा। हाँ, खा लेंगे मम्मी हम लोग। तो मम्मी इतना दे रही है दोस्तों मुंबई लेके जाने के लिए। मेरी पैकिंग बाकी है दोस्तों अभी भी, क्योंकि ट्रेन का कुछ अभी है नहीं, तो थोड़ा देर में करूँगी। गाइस इतना टेस्टी खाना बना था ना कि मैं खा चुका हूँ और मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया। एकदम बोलते ना माँ के हाथों का खाना, वैसा एकदम मस्त, मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है, दोनों भाजी भी टेस्टी है, और क्या सॉफ्ट चपाती है। देखो ये जो नींबू आपको दिख रहे हैं ना, ये गांव के घर के नींबू है। जल्दी हम लोग ना नेक्स्ट टाइम गांव भी जरूर जाएंगे, मैं आपको झाड़ दिखाऊंगी। क्या नींबू देता है यार झाड़, ये इतने पता है 42 नींबू है। और वहाँ पे मुंबई में ना मेरे को लिटरली कितने छोटे मिलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मम्मी ने छाट के बड़े बड़े अलग रखे थे मेरे लिए, 100 के ऊपर है ना, 100 के ऊपर निकाला है मम्मी बोले। ये देखो ये 2 नींबू ना इतने छोटे वाले, एक्चुअली इससे भी छोटे ये साइज़ के नींबू ना 10-10 रुपए के मुंबई में मिलते हैं 2, और यहाँ पे देखो 42 नींबू थे, और क्या साइज़ है नींबू के। तो ये देखो मम्मी ने कितना सारा कड़ी पत्ता दिया है। 1 महीने तक मुझे कड़ी पत्ता मांगने की ज़रूरत नहीं, 1 महीना के शायद उससे ज़्यादा, बहुत सारा दिया है। गाइस हम लोग अपनी पैकिंग यहीं छोड़ के और बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 4.25 घंटे लेट है, तो घर में ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ आने वाली रहेगी आधा घंटा पहले जाएंगे। कल मुंबई भी फिर लेट पहुँचेंगे। तो मम्मी की कलाकारी देखो, कितना सुंदर सुंदर मैट बनाना है। ये देखो घर में जितने भी मैट आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मम्मी ने बनाया है। आर्टिस्ट है मेरी माँ, आर्टिस्ट है, इसलिए मैं भी आर्टिस्ट हूँ, पता है क्या। ट्रेन वैसे लेट है, कुछ कर नहीं सकते। कितने बजे आएगी? आने वाली थी 5:20 को, बट शायद 8:30-9 बजे आएगी, या 9:30 भी हो सकता है। बट यार घर ना एकदम से खाली हो गया। बच्चे थे तो तब मज़ा आ रहा था, बच्चे होते, पापा होते, सब होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। आज सुबह में पापा और कल तो यशोदा और बच्चे चले गए, आज सुबह सुबह पापा चले गए और हम लोग बस बचे हैं। अब हम लोग भी चले जाएंगे। मम्मी ऐसे ही बस बैठी रहेगी यहाँ पे पुराने पिक्चर लगा के। कल भी कोई तो मूवी देख रही थी मम्मी, आराधना। मम्मी ने एक और चीज़ लाके दी है, मूंग वगैरह। लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे जब भी आप आपके माँ के घर से जाते हो। ऐसे आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो भी ज़रूरत की रहती है ना, ये मिलते ही रहती है। भले ही वो चीज़ आपको आपके यहाँ पे मिल जाएगी, बट स्टिल वो आप लेके जाते ही हो, होता है ऐसा। हम भी लेके आते थे, मम्मी भी लेके आती थी। सभी की कहानी यही है। माँ के पास में जा, जो पसंद आए चलो उठा लो। क्या इतना सब लेके जा रही हो? आम, नींबू, बर्तन, बैंगन, कड़ी पत्ता, इसमें पपीता है, उसमें दाल। देखो दोस्तों के तो क्यूट बर्तन है मम्मी ने लिए, मैंने आपको दिखाया है, शायद नहीं दिखाया तो वापस देख लो, कितने क्यूट है दोनों बर्तन। और ये मैट ले रही हूँ दोस्तों। बज रहे हैं रात के 9, इतना ज़्यादा लेट है ट्रेन। चलो अच्छा लग रहा है कि बैठ के हम लोग को और टाइम मिल गया बातें ऐसे करने के लिए। 2 बारी में जाएंगे, क्योंकि स्कूटी अभी फिलहाल एक ही है, पापा तो एक लेके चले गए सुबह। 2 स्कूटी लेकिन रिटर्न लेके आने वाला एक ही बंदा है। हाँ, गोलू अकेला चलाएगा। मम्मी बोल रही है वो नहीं चला पाएगी, आज पैर में दर्द है। तो गोलू लेके जाएगा, अम्मू को स्टेशन छोड़ेगा, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी। 9:40 तक आ जाएगी ना, तो निकलते हैं। मेरे ख्याल से 9:40 तक आ जाएगी। मैं लेके आती हूँ, वो लेके जाओ तुम। हाँ ठीक है, वो अभी आगे रख देंगे, ये मैं पहनूँगा बाद में, वो आगे फिर तुम लोग ऐसा बैठ के आ सकते हो ना, ठीक है। चलो ध्यान रखो। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। मेरी टिकट कैंसिल कर देना। गाइस प्लेटफॉर्म पे आ गए, और अभी भी गाड़ी 40-50 मिनट्स लेगी। 5:15 की जो गाड़ी थी वो 10-15, 10-20 तक हो गई। सामान नहीं, अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। बाय 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 बाय, ध्यान रखो, बाय, टेंशन मत लो। दोस्तों गोलू जा चुका है, अभी हम लोग वेट करेंगे। 1 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा आई थिंक। वैसे तो घर में ही रह सकते थे, अच्छा और टाइम मिल जाता। एक तो मौसम देखो ना, हम निकल रहे हैं तब अच्छा हो रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं आई गुलबर्गा और मैंने आपको कुछ घुमाया ही नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं अपना होम टाउन। बट प्रॉब्लम ये है कि इतना धूप रहता है ना यहाँ पे कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। निकलने के वक्त अभी मौसम अच्छा हुआ है, इसलिए गोलू को हम जल्दी लेके आ गए, क्योंकि क्या गाँव का मामला है, रात को 10 बजे भी लेट हो जाता है ना, तो वो अभी से क्या 9:30 बजे अभी छोड़ के चले जाएगा, तो हम लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा। और एक तो बारिश वगैरह भी हो रही है, तो हम सोचे टाइम पे आ जाए, है कि नहीं? हाँ भाई, चलो वेट करते देखते कब तक ट्रेन आती है। ठीक है, ध्यान रखो गाइस अपना। हम तो वेट ही कर रहे हैं, पागल हो गया। ध्यान रखो अपना। और देखो दोस्तों गोलू जाते हुए, निवाले से पकड़ो, ये देखो, ये पकड़ो। बहुत अच्छा हो गया बाबा, जरा बारिश पानी से हमको जरा रोटी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, पाँच बीस की ट्रेन थी, 11:20 हो गया, 6 घंटे लेट। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और इतनी ठंडी लग रही है ना, मौसम एकदम ठंडा हो गया यार, ठंडी लग रही है। मेरी टी शर्ट तो ऊपर से डालने को। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है, 12 में 10 कम। ये भगवान, चलो दोस्तों ट्रेन पकड़ते हैं। 12 तो बज के जा चुके हैं। अम्मू की मैंने शर्ट पहनी है बिकॉज बहुत ठंडी लग रही थी। धन्यवाद आप आए। चलो चलो, पहुँच रहे गाइस। कितना बज रहा है? 11:15। ऑलमोस्ट अभी रुकी नहीं है तो 11 बज ही जाएगा। हालत ख़राब हो गई यार। चलो घर पहुंच के ही देखते हैं, अभी म्याओं का कचरा भी साफ करना है। घर भी पहुंचते पहुंचते 1-1.5 बज जाएगा। हालत हो गई। चलो मिलते हैं दोस्तों।